आज मैं बनाने जा रही हूँ दोई पोटोल दही परवल। ये एक बंगला रेसिपी है, बंगाली रेसिपी। इसमें मैंने परवल को छोटे टुकड़ों में काटा है। इसको आप बड़े बड़े पूरे एक परवल को भी पूरा रख सकते हैं। मैंने ये छोटे टुकड़ों में काटा है। ये तेल गरम हो रहा है, इसमें मैं ये परवल जो है इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। अच्छे लाल होने तक ये फ्राई होंगे, पिंक कलर आ जाएगा तब तक ये फ्राई होंगे। ये मसाले हैं, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मिर्च डाला है मैंने। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। फिर ये मैंने प्याज लहसुन और थोड़ा अदरक मैंने पीस लिया है। ये गरम मसाला जो मैं सौते में डालूंगी, और ये परवल घुल चुका है। ये मैं बनाने जा रही हूँ दही परवल। ये एक बंगला रेसिपी है, बंगला में इसको दोई पोटोल बोलते हैं। ये तेल गरम हो चुका है, ये मैं गरम मसाला डाल दे रही हूँ। ये साबुत गरम मसाला डाला है मैंने। ये प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसमें प्याज है, टमाटर है और दो छोटे पीसेस लहसुन के हैं। लहसुन ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डालिए वरना नहीं डाल सकते। सब मैं ये सारे मसाले डाल लूँगी। ये लाल होने तक अच्छे से भुनेगा। ये नमक डालूंगी, नमक स्वादानुसार डालना है। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं दही डाल दूंगी। दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं तो लम्स ना आ जाए दही में। ग्रेवी आप जितनी लेना चाहें, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। ये खूब अच्छे से अब इसको छोड़ दूंगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सारे परवल इसमें डाल दूंगी। अब ये परवल के थोड़ा सा गलने तक इसको मैं ढक दूंगी। मेरी दही परवल बंगला में दोई पोटोल बनके तैयार है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, आप भी बनाइए। ये देखिए, आप भी बनाइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा बना है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।